नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। शेखपुरा में लॉकडाउन के बाद गरीबों में सबसे बड़ी समस्या भोजन को लेकर है। इस बीच निर्माण कार्य में लगी कंपनी MGCPL के द्वारा गरीबों के बीच भोजन उपलब्ध कराया गया। भोजन वितरण जत्था एक सारी दलित टोला एवं मरुमी जमुआरा खोरमपुर कुंडा शेखोपुर इस तरह 8 गांव में पहुंचा। भोजन सामग्री वितरण जत्था में सदस्यों भी मौजूद थे। MGCPL के मैनेजर रवि गुप्ता ने कहा कि 800 से ज्यादा गरीबों और जरूरतमंद लोगों के बीच इस आपदा की घड़ी में खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, जिसमें चावल आटा आलू नमक तेल दिया गया है ताकि भूखों मरने की स्थिति नहीं हो सके। गौरतलब है MGCPL कंपनी के द्वारा गरीबों के बीच खाद्य सामग्री वितरण किया गया एवं कई संगठनों द्वारा इस कार्य को सराहनीय कार्य बताया गया। कंपनी के मैनेजर रविवार कुमार गुप्ता ने बताया कि इस आपदा के घड़ी में सभी कंपनियों से मदद करने के लिए अपील की। 30, 31, 29, 30, 31 हम बांट रहे हैं। 28 मार्च से लेके आज 31 तारीख तक बांट रहे हैं। अब तक हम 600 पैकेट बांट चुके हैं और आज एक सारी गाँव के लिए निकले हैं और देखिए आगे जहाँ तक होता है फिर देखते हैं। कैसे लोग को आप वितरण कर रहे हैं अनाज? वितरण हम कर रहे हैं 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो आटा, 2.5 किलो चावल, 1/2 किलो दाल, एक रिफाइंड का पैकेट, एक नमक का पैकेट, मसाला। कैसे परिवार है जिसको जो गरीब बेसहारा है, जो गरीब बेसहारा है, जो बिल्कुल गरीब है बेसहारा है, गाँव में कुछ पड़े हैं जिनके बच्चे बाहर हैं, कोई विधवा है, जो विकलांग है, उन लोगों को हम दे रहे हैं। कौन कंपनी के द्वारा से दिया जा रहा है? MGCPL कंपनी के द्वारा। MD श्री उदित मित्तल, मैं मैनेजर रवि गुप्ता। क्या प्रकार? हाँ, कहते हैं कि जितना जो अपनी सामर्थ्य है वो अपना हेल्प करे, सहायता करे गरीबों का, बेसहारों का, जो बिल्कुल ही बेसहारा है, जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास नहीं है इस टाइम रोजगार, जो डेली कमाता है 100-150 रुपये, उसको इस टाइम कमाई धंधा सब बंद है, तो उसके लिए सब लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जो कर सकता है वो हेल्प करे।